spin on my mind. I will be hanging on to the world. I will be hanging on to the world. I will be hanging on to the world. के साथ में और तेज से हाँ झगड़ा उसको और तेज से तोड़ के ले लू तेरे हाथ वो हाँ तोड़ के बाहर लेकर टांग देता हूँ। अच्छा बच्ची को कहाँ से पकड़ा था? शमशान कब्रस्तान हाँ कहाँ से आया था? जोर से बोल कहाँ से झगड़ा उसको तेज से कहां से आया था? कहां से हाँ शमशान कब्रस्तान जलाओ जलाओ उसको जलाओ तेज जलाओ हाँ जलाओ उसको और तेज से हाँ कहां से आया था? कौन से गांव का है? कितने दूर का है? कहां का है? नाम तेरा? हाँ कहां का है? जोर से बोल छोड़ के चल जाता मत देती तकलीफ रे नहीं छोड़ते नहीं तो जकड़ो उसको और तेज से अच्छा जलाओ उसको और तेज तकलीफ तो जलाओ उसको हाँ ये बच्ची को कब मारने का था? अमास में पूनम में अम्मा से मार देने का है मार देने का लेके जाने का साथ अच्छा साथ में ले जाने का लेके जाने का है उसको अम्मा को लेके चल जाने का साथ में लेके जाने का है यार अच्छा तू आने वाली को तू आया कहाँ से था तू अच्छा यहाँ वाले अम्मा से ले जाने का था लेके जाने का था आखिरी डेट उसकी मैं अभी लेके जाता छोड़ दे लेके चल जाने का है लेके जाने का है अच्छा वो कौन बोला था? इसके माँ के रिश्तेदार थे बाप के रिश्तेदार थे किधर के खानदान के थे लोग वो ले जाने ये बोला मेरे मेरे को लेके जाने का अच्छी है ने मेरे को लेके जाने का नहीं वैसा नहीं ले जाने का तो हम तेरे बादशाहों के बादशाह तुमको जला के राख कर देते बाप का अच्छे लगे कम बका अभी तक कितने बच्चों को मारा अच्छा इसका खून भी पी रहा था क्या तू दांत गड़ा के हाँ पूरा खून पिला रहा था उसका मेरा है मेरे भाई पिंक है ना रे मेरे ये ना अच्छा तो बीवी बना के रखा था बीवी बना दिया था अभी से बना दिया था मार के लिए से जाना था और खून बीवी के कमजोर कर रहा था उसको और उसको आंख पे उसके रात में लोट रहा था उसके आंख के ऊपर झगड़ कर रखो उसको ना ला आपको ऐसे के साथ में हाथ आप बताओ उसके दांत भी तोड़ देंगे तू ये बंद कर दे ना बाबू मुझे नहीं छोड़ते नहीं तो I'm gonna go to the hospital.
حسنة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. अल्लाह बच्चा बता कितने लोगों को मारा अभी तक, कितने लड़कियों को मारा, पूरा जला देता हूँ, जलाओ उठाते से पूरा जला दूंगा, जल्दी बोल कितने लड़कियों को मारा अभी तक। ये पहला शिकार था, पांच मारो दस मारो, कितने मारा, हाँ कितने मारा, कितने। अब मैं सोच रहा हूँ हाथा काट के ले लेना और बाहर टांग दे, ले लूँ, अच्छा इसको जो दवा खिलाए थे वो कौन थे, उसके माँ के खानदान के थे बाप के थे, नाम नहीं पूछा मैं अभी, सिर्फ इतना पूछा हूँ माँ के खानदान के थे बाप के थे क्या दोस्त आने के थे, कौन लोग थे, नाम मत बता, माँ के थे और तो आदमी दोनों मिले आले कौन है, अच्छा उसके और कितने औरता मिले आले, एक दो तीन, दो है, दो है, अच्छा और इसके घर से किस किस को मारने आते बच्ची के, इसको लेके जाने का ये मेरे को बहुत अच्छी लगती, लेके जाने का ये पूनम को दे दे तू, सब छोड़ देता मैं इसका घर, अच्छा वो औरत ने किस चीज में मिला के खिलाई थी इसको, चुपड़ी इसको हरीश में, जोर जोर हरीश में शादी में मिली थी रे, अच्छा कितना टाइम और खिला के इसको, दो साल हो रहे पूरे, अच्छा झगड़ो इसको और तेज से, को बाटल में जमीन में गाड़ दे, शीशे में डाल के जमीन में गाड़ देता, हमेशा कयामत तक जमीन में रहना, फिर शीशे के अंदर कैद कर दूं कैद, अच्छा औरत ने कितने बार खिली थी, एक बार के बहुत बार, कितने बार, बहुत बार के एक बार जाने के तुम ऐसा सब नहीं दिया, इसके पूरे घर को खिलाई, दूसरे बहन भाइयों को, माँ को, बाप को, कमन बरकत में रहना, किरकिरा झगड़े होना घर में, घर बरकत उड़ जाना बोल के भी करी, ठीक है चलो उसको जकड़ के लो उसको तेज के साथ में, और उतार के उसको सब जला के राख करेंगे, लड़की को तो तेरी औरत बना के यूज कर रहा था, और बाद में उसको खून पी पी के उसको कमजोर कर दे रहा था, फिजिकली टच भी कर रहा था उसको, तू यानी कि यूज कर रहा था, रात में उसके आंख पे लौट रहा था, और बाद में उसको खून पी पी के भी कमजोर करके लास्ट में मार के ले जा रहा था साथ में, जकड़ लो उसको और तेजी से उसको मार मार के खत्म करेंगे, कितने बार हाजिर हुआ घर पे, चार सवाल जवाब कितने बार, दो नहीं चार महीने में पूरा कंटिन्यू चला सवाल जवाब, पर अभी तुम्हारे खाने लाने से पहले वीडियो बताया आपकी मैंने, तो रात भर मेरे को जगाया, बोले मैं मेरी पूरी टीम को लेके जा रहा, तू वहाँ लेके मत जाना, कसम खा, मैंने कसम नहीं खाया, मतलब तू कसम खाएगा तो मैं कसम खाऊंगा, तो बोले मैं तेरे बच्चों को छोड़ देता तो अपने सिर पकड़ के रखो उसको, ना ला कुछ जंजीरा डाल के उतारे में उसको सब जला के रख करो, कोने में बैठे तो आवाज दी उसने सुबह 7:30 बजे, चलो रे बोले पूरी लाइन लगाओ, और महाराज आगे था 13 लोग, क्या करने का रात तेरे साथ बोल, और खाना 2 महीने से बंद है, और खाना मंगा वो मंगा हमारे घर के पीछे रखो, वैसे नहीं जाता हूँ, वो जो चीजें मांगता खुद होकर तो वो आ गया हो क्या कैमरामैन, वो जो मांगता खुद होकर चीजें तो खुद की ताकत बढ़ाता हो, तुम अगर उसका सुन के उसको कुछ दिए तो उन्हें जहाँ कमजोर होकर खत्म होने वाला रहता तो अपनी फिर बैटरी चार्ज कर लेता हो, इसलिए बेहतर है कि उसका सुन के उसको कुछ नहीं देते जाना,
जो तुमको इलाज वाला शख्स बताएगा उसका सुनेंगे तो कटेगा ना, बाकी तुम अपने मर्जी से शैतान का सुन के करेंगे तो शैतान खुद की ताकत बढ़ा के लेता और बाद में पेशेंट की जान खींच के साथ में लेके चले जाता। अभी जो हाजिर हो गए सब बातें बयान करा दो, जकड़ के रखो उसको और बन के डालो उसको, पूरा जला के राख करेंगे। दो महीने से पेट में अनाज नहीं रहा और बाद में खाना नहीं खाया जा रहा। नहीं नहीं, दो महीने चीज को हाथ नहीं लगा रही और सच्चा है, सवेरे पीते दो दाने शक्कर डाल के आधा को फ्रेक्टोस, दिन भर वैसी रहती, पानी अपने हाथ से पिलाना पड़ता, पैर पड़ेगी अंदर का कर रहा तमाशे। ये जो हरकतें हैं सुजा बोले तो जाने वाले खिसम में का नहीं हो, खुद उसको ला के करा के करनी कौटाल से बन के छोड़े आ, जब अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला तो अमल के जरिए काट के जला के पूरा राख कर देते हैं। और दूसरी बात सबसे अहम ये है कि अब जैसे तरीके करते उस तरीके से अमल करो, उसके साथ साथ इबादत भी करो, ये सब चीजें मिलके एक ढाल बन के उसको जला के अल्लाह के फजल से राख कर देती। लोगों ये जो दास्तान है ये बहुत अलग अलग किस्म के बलाएं रहते हैं, इन शॉर्ट में तुम्हें बताऊंगा मैं, ये जो है तो खुद ब खुद लगे वाले अलग रहते, लाके लगाए वाले अलग रहते, ये जो है तो ये लाकर लगाया हुआ है, लगाया हुआ बोले तो ये तुम्हारा इसकी जान ले रहा था और ये खुद ब खुद नहीं आता, ये सर के बाल और कपड़ा ले जाकर वो शैतान के साथ जो भी लड़की को छोड़ते या लड़के के ऊपर छोड़ते तो वो जो उसमें की फीमेल रहती वो छोड़ते और लड़के की लड़की के ऊपर मेल छोड़ते तो वो क्या करता, वो बोलता ये मेरी औरत है बोलकर साथ में, और जो लड़की छोड़ते तो वो बोलती है मेरा मर्द है बोलकर उसको पूरा यूज भी करते, फिजिकली टच भी करता उसको वो उसके हालात बेदारी के अंदर, और रात में सोते टाइम पे रूम में अकेली रही जब भी बच्ची को परेशान करता और बाद में लास्ट में अपने साथ में मार के लिख चल जाता, पीछे से दांत गड़ा के खून पीता, कमजोर करता, वैम्पायर इंग्लिश में बोली उसको, कंठ पिशाच हिंदी मराठी में बोली उसको, और खबीज पिशाच खबीज बला खून पीने वाली हिंदी उर्दू में बोली, और बहुत सारे दास्तान है, बहुत सारे राज हैं, क्या बोलूं, जिस पे बीतता उसको पता चलता, जिस पे नहीं बीतता उसको नहीं पता चलता। मैं भी जब स्टार्टिंग में इलाज की पहली पायदान पर चढ़ा था, पहली सीढ़ी पर, पहले स्टेप पर, तो मैं ये सब बातों को नहीं जानता था, मैं ऐसा समझता था कि ऐसा हो जाता कि एक मिनट शैतान कहीं लग जाता निकल के चले जाएगा ऐसा, मगर मेरे पे राज खुलते खुलते पूरे राज खुले, उसमें मेरे को ये भी पता चला कि फिजिकली टच करने वाला भी शैतान खबीज बला रहती, वो जिनको लगती वो कुछ मालूम होता उसके साथ क्या क्या सलूक करे, और दूसरे को बोला दूसरे को समझता है, दूसरा बोलता ऐसा कहीं बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें हैं, लेकिन इन सब का निचोड़ इन सब के हाबिस अल्लाह का कलाम है, बट कलाम इलाही से उसके तरीके से मदद लो, अल्लाह से मदद मांगो तो ये सब चीजों को हट के महफूज रखेंगे अल्लाह तुमको। तुम पहले से इबादत की रस्सी को मुंह में बंधो अगर थाम के रहेंगे तो बेवबाएं बलाएं नहीं चल सकती। बाकी जादूगर तो बहुत कुछ कर सकता, जब जादूगर कर सकता तुम पे जादू बहुत कुछ, तुम्हारे कारोबार बंद कर देता, तुम्हारी नौकरियां रुका देता, तुम्हारी तरक्कियां रुका देता, तुम्हारा सुकून बेसुकून कर देता, तुम्हारी रात की नींद का सुकून उड़ा देता, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर देता, तुम्हारे अरे बहुत कुछ करते बाबा, उससे मैंने देखा ना प्रैक्टिकल में, दुनिया को बताया ना, हर चीज होती, बट इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की कोशिश करते जादू टोने, तुम्हारे सारे रुकावट रोक देते अमल अमलियात गंदे अमल, जादू टोना ये नहीं देखता तुम बड़े अफिसर है, बड़े आला है, बड़े नवाब है, बड़े राजा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बरोबर जाता बरोबर तुम्हारा छेड़ता बरोबर हमला करता तुम्हारे ऊपर, उसको कुछ फर्क नहीं, उसको उसके दुनिया के हिसाब से फर्क पड़ेगा ना, तुम बंदिश मिलेंगे तो। बाकी जादूगर भी बहुत कुछ कर सकता, तो अल्लाह वाले उससे ज्यादा सब कुछ कर सकते, हर चीज है, जादूगर को सजा दे सकते, उसके साथियों को सजा दे सकते, उनको मार पड़ा सकते, उन जैसा करे वैसा उनको पलटा सकते, उन्हें मोते वही कर दे, उनको जमीन पे गिरा के धूल भी चटा दे सकते, उनके हथों में गिरा दे सकते, उनको यहाँ तक के लास्ट में उनको दुनिया से हटा के फना फिल्ला भी कर दे सकते, और करे अल्लाह वालों ने बहुत सारे किताबें भर के पढ़े ली, पढ़ो और नहीं जान सकते तो मेरे वीडियो में देखो, उसमें भी तुम्हारा पता चल जाएगा पलटा पलटा के कैसा मारे सबको सजा दिए। दूसरा के वास्ते खड्डा खोद देगा, तुम्हारा खड्डे में डालने का पावर हमारे हाथ में नहीं दिया अल्लाह, क्या फिर हमको भी बोले अला ना जिसने खड्डा खोदा उसको पलटा के वार मारो, फिर हमको कुछ नहीं करते, वो ऑटोमेटिक खुद खुद जाता, फिर तुम्हारा हर बुरा हो जाता, हमको तो करने की बहुत दूर की बात है, हम सोचने से पहले तुम्हारा खेल वो बजा देते बाजे पूरे जाके शैताना, देख रहे नहीं क्या लाइव में, देखे नहीं क्या उनको लगा दिए तो उनको समझता नहीं, फिर जो ड्यूटी लगा कुछ काम करते हो, फिर हम भी पलटा के जब लगाते तो फिर उनको कुछ काम करते जो उनको ड्यूटी दिया गया। बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें हैं, इस वास्ते इबादत ज्यादा से ज्यादा करो लोगो, और किसी का बुरा मत सोचो, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन नास, फिर अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। कौन से आयत है, और ये कैसे किस्म की बला है, ये जा बोले तो जाने वाले किस्म की नहीं है, फिर वापिस आ जाती है, जाती है फिर वापिस आ जाती है, अंदर बैठे दवा लोग चिमक कसर लोहे को खींचता, अंदर बैठे दवा उसको वापिस खींच के बुला देती, मैं आता बच्ची को कमजोर करता परेशान कर करके साथ में लेकर, अभी बोल रहा था लास्ट फाइनल आने वाली पुनम मैं लेके चले जाऊंगा, दे दो कैसा देंगे, अमल करेंगे अल्लाह के हुक्म से उसके बीच में दीवार डाल के रुका देंगे। बहुत सारे राज है, जो ना मांगे सीखो दर दर मांगे भीख, मैंने ये भी देखा लोगों जिन्होंने नहीं माने वो मेरे सामने आंखों के चले गए,
अब जिन्होंने माने उनको रुका भी दिए, बहुत सारे मन बता दिया था लाइव में, प्रैक्टिकल में बताया, मेरी जबानी कुछ नहीं बोलूंगा, तो मेरी जबानी बोल के कुछ फायदा नहीं है, अल्लाह ने ऐसा मौजजा दिया कि तुम्हारे सामने आंखों के बताया। और देखो कलाम इलाही से कैसी मार पड़ती हूँ तुम्हारे आंखों के सामने, कि मैंने क्या टच करा, कि मैंने क्या मारा, कि मैंने जूते से मारा, कि चप्पल से मारा, कुछ भी तुम्हारे सामने, मेरा मेरा कुरान इलाही अल्लाह की कलाम इलाही पढ़ रहा था, और कैसा उसको मार पड़ रही थी कैसा। तो तरीके भी रहते, कुछ इबादतें भी है उस तरीके से तुम करेंगे आखिरी हद तक, तो फिर उनको मारा भी पड़ने वाली, तुम्हारी जबान अल्लाह बनेगा, तुम आप उस मकाम तक पहुंचेगा। बहुत सारी बातें हैं कहने सुनने से ज्यादा, अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्या नाम है बच्ची का? मारिया नाज। मारिया नाज, ठीक है, चलो रोक दो।